versus tiger conflict, the tiger loses out. Reason? The drive to conserve forests and wildlife in India always becomes subservient to the needs of the communities that live in and around. The pressure on natural resources keeps increasing, though it is no longer ecologically viable for these communities to exploit forest resources as they did 100 years ago. The Usha Silai School program has emerged as an exemplary solution. My name is Srimati Phuliya Sayam, Gram Samnapur, Taisil Behar, Gyal Balaghat. मेरे परिवार में मेरे पति है और एक मेरे लड़की है। एक लड़का था, 7 साल का, खत्म हो गया। उसको बुखार भी नहीं था, वो मालूम नहीं था हमको, यानी कि हमारे पास इतना आवक भी नहीं था इलाज कराने का। पहले से ही स्कूल चालू हो जाता तो यानी कि मैं थोड़ा कमा करके उसकी इलाज भी करवा सकती, पर उस समय हमारी बहुत गंभीर परिस्थिति थी तो हम लोग उसकी इलाज नहीं करा पाए तो खत्म हो गया। मेरे पति बैयर उसमें 10 तारीख ले, जैसे प्रमाण पत्र बनाना, किसी का खेती बाड़ी का पट्टा बनाना, वो वाले काम करते हैं। कभी मिला तो 150 मिल जाते हैं, नहीं तो कभी 1500 भी मिल जाते हैं, जैसे किसी का रजिस्ट्री करना है तो। अभी आज के दिन में नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन हो गया है तो उनसे कम काम मिलता है। मेरे ससुर तो 8 साल पहले शादी नहीं हुआ था, उसके पहले ख़त्म हो चुके थे, और मेरे आने के बाद फिर साथ 2 साल तक के रहे, फिर ख़त्म हो गई। वो अलग से कोई घर नहीं था, काका साथ ससुर है उसके घर में रह रहे थे, उनके साथ ज़्यादा दिन तक के नहीं रहे, फिर वो लोग हमको अलग कर दिए। उसके पहले हम लोग अपने देवर के घर में रह रहे थे। पहले यानी कि सिलाई विलाई नहीं सीखे थे तो हम लोग खेती किसानी कर रहे थे पहले, जैसे गांव वाले पत्थर तोड़ने जाते हैं, खेतों में रोपा लगाते हैं, वो सब काम कर रहे थे पहले। आज के दिन में उसे सिलाई सीखी तो आज के दिन में घर बैठे पैसे कमाती हूँ, कपड़े बनाती हूँ और दूसरों को भी सिखाती हूँ। पहले कार बोर्ड फाउंडेशन से सिलाई सीखने गए, हम लोग जो अलग अलग प्रकार की जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर लोगों को ट्रेनिंग देते हैं ताकि उन्हें कुछ रोजगार मिल सके। उसी कार्यक्रम के अंतर हमने उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ मिलकर और कॉर्बेट फाउंडेशन ने एक उषा सिलाई कार्यक्रम स्टार्ट किया था, जिससे यहाँ की जो महिलाएं जो कुछ नहीं करती हैं और घरों में रहती हैं वो सिलाई सीख सके और अपना स्कूल स्टार्ट कर सके ताकि उनको रोजगार मिल सके, और इससे जो है महिलाओं का उनके समाज में उत्थान भी होगा और एक तरह से उनको रोजगार मिलने से जो बाकी समय वो जंगल में लकड़ियाँ वगैरह काटते थे या बाकी काम करते थे
उसमें कमी आएगी और जंगलों पे उनका जो निर्भरता कम होगी। सिलाई सीखने के बाद फिर धीरे धीरे कपड़ा बनाने लगी, तो फिर स्कूल यानी कि उसे स्कूल खुला तो उसमें 7 दिन का ट्रेनिंग गई मैं, तो फिर उसमें कम से कम माह का यानी कि 1 दिन का 100 रुपये या 50 बना ही लेती हूँ। तो वो पैसा को इकट्ठा कर करके फिर घर में लगाते गए और बच्चे की पढ़ाई में भी पूरा करती है। तो ये घर हम लोग 2-3 साल तक के मेहनत किए इसमें, उसके बाद बनाए। पहले क्या है, मैं इनको मना करता था वहाँ कार्बोट फर्नेस में जाने के लिए, मशीन सीखने जाती थी का उस सिलाई मशीन से सीखने से मेरे को ये फ़ायदा है कि ये इनके पैसे ये सब ये बिल्डिंग वर्क है इसमें लड़की की पढ़ाई में ये सब में इनके पैसा सिलाई से ही चलते हैं। मेरी बेटी अभी फर्स्ट ईयर में थी, अभी सेकेंड सेमेस्टर का पेपर दे रही है। मैं नर्सेज बनूंगी कहती है और बीएससी कॉलेज कर रही है। कॉलेज का फीस भी देते हैं, बुक उसके काफ़ी सबके लिए पैसा देते हैं, दोनों मिल करके कमाते हैं तो उसके लिए पूर्ति करते हैं, अपना घर में भी पूर्ति किए हैं। सहारा मिला मेरे को, क्योंकि मेरे पैसे से ये होता तो कहाँ इतना आगे बढ़ पाते फिर। मैं सिलाई करती हूँ तो बैठे रहते हैं, बटन वटन डालते हैं ब्लाउज में, हेल्प करने लगते हैं घर में रहा तो। मेरे पति आज के दिन खुश है, खुद पैसा कमा लेती है घर के। हमको पता नहीं थी लेकिन हमारे हम मैडम गए थे सिलाई मैडम, तो बताए कि नहीं उसका सिलाई स्कूल खुला है करके, तो कहा हम अच्छा है ठीक है मैं आऊँगी ऐसे करके। मेरे मम्मी पापा मना कर रहे थे कि कहाँ जाएगी, वहाँ बहुत काम है घर में ऐसा करके, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं की हूँ तो मेरे को करना चाहिए ऐसा करके मैं ज़बरदस्ती आई थी सीखने के लिए यहाँ पे। सीखने के बाद खुद घर वाले देखे मेरे हुनर को और मशीन ले दिए 2 महीने बाद। उसके बाद मैं घर में अपने लिए भी सिलती हूँ, अपने भतीजी के, मेरे भाई के लड़के लड़कियाँ उनके लिए, और मेरे मम्मी पापा हैं उनके कपड़े भी सिलती हूँ। हमने भी देखा है उनके स्थिति, हम भी उनके तरह बनना चाहते हैं। पहले वो इतने अपने परिस्थिति इतना जूझते थे कि पूछो मत, लेकिन आज उस सिलाई स्कूल की वजह से आज उनके मकान है, सिलाई है और खुद के अपने बेटी को पढ़ा रहे हैं। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी उस सिलाई स्कूल चलाएं और हम भी अपने लिए कुछ करें। उषा सिलाई स्कूल खुलने से क्या हुआ, जो महिलाएं जो हैं अभी उषा सिलाई स्कूल जिन्होंने खोला है, एक तो उनको रोजगार मिला है और रोजगार मिलने से अभी वो उषा सिलाई स्कूल चला रहे हैं। वो जो बाकी महिलाओं को जो सिलाई सिखा रही हैं, तो महिलाओं को सिलाई सिखा रही हैं, तो वो जो महिला जो सीख के जा रही हैं वो भी अपने गाँव में इस तरह के जो है धंधे को इसको कर रहे हैं सिलाई सिलने का, जो है जो बाकी जो पहले जो है शहरों में जाकर या छोटे छोटे टाउन्स में जाकर वो कपड़े वगैरह सिलवाते थे, आज अपने गाँव में ही खुद का एक उन्होंने जो है व्यवसाय शुरू किया है जिससे उनको 3 से 4 हज़ार रुपये की आमदनी महीने में हो जाती है। उषा सिलाई स्कूल उसके माध्यम से मैं इतना अनुभव नहीं होता तो मेरे यानी कि उन्नति भी इतना नहीं बढ़ता। गाँव में तो पहले हमारा उतना वो नहीं था जितना अभी है उस सिलाई से, हाँ उसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़े तो मेरे को बहुत अच्छा लगा।
Kanha is a one-of-a-kind experience for Usha's Silai School program. It reached out to the villagers who live on the edge of the Tiger Reserve and mostly depended on forest resources for survival.